वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन फॉर्म की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एडमिशन फॉर्म इसका 2023-2024 के सत्र का एडमिशन फॉर्म आ चुका है और वो फॉर्म कब से फॉर्म भरा जाएगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी एप्लीकेशन शुल्क क्या है। तो चलिए इसी माध्यम से हम डिस्कस करते हैं और आपको नोटिस के माध्यम से दिखाते हैं कि वो फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो ये चीज़ें इस बार जो यूनिवर्सिटी है कुछ कॉलेज को अपना सीट भरने के लिए दे दी है अलग से, उसके भी सूचना कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपना खुद एग्ज़ाम कराएगी और कौन कौन सी इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेज मेरिट के आधार पे एडमिशन लेगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें कुछ नोटिस के माध्यम से। तो हमने यहाँ से पहले से कुछ इसकी नोटिस डाउनलोड कर चुका हूँ, तो चलिए हम आपको नोटिस दिखाते हैं। यहाँ पे नोटिस में क्या दिया है, ये देखिए, ये जो नोटिस दिया गया है ये नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि समस्त नर्सिंग पैरामेडिकल डिप्लोमा एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा फार्मेसी 75 सराज की स्कोटे की अनुवादित सीटों शैक्षित सत्र 2023-2024 में प्रवेश सत्र अनुवादित निम्नलिखित है। नवोदय महोत्सव अवगत कराया गया है कि सचिव सत्र 2023-2024 का प्रारंभ 1/8/2023 से निर्धारित किया गया। इसका मतलब जो 1/8/2023 ये डेट का निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश ये डेट पे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा गया। तो इस बात से किसी भी बच्चों को भयभीत नहीं होना है, वो 1-2 दिन या आपके 10 या 10-15 तारीख से फॉर्म भरना का डेट क्लियरिटी हो जाएगी। तो तथा 25 अनुवादित सीटों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 30/9/2023 है, मतलब डेट की जो तारीख किया गया था वो 1/8 ही किया गया था। लेकिन आप इससे चीज़ें ये मत सोचिएगा कि 1/8 से किया गया तो क्या डेट की टाइमिंग कम होगी अगले बार की तुलना में, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस दिन से जो डेट फॉर्म आएगा उसके एक महीने के बाद वो लास्ट डेट रहता है। तो अनुपालन में ये सारे जीएनएम इस बार जो जीएनएम भी 65 क्षेत्र इसी के तहत फॉर्म भरे जाएंगे और जो भी कॉलेज की सूचना होगी वो आपके इस साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। जैसे कि इसमें कुछ एएनएम की एलिबिलिटी दिया है, जीएनएम की एलिबिलिटी दिया है, तो आप तो ये नॉर्मली सी चीज़ें जानते हैं कौन कौन एएनएम कर सकता है, कौन कौन जीएनएम कर सकता है। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होती है कुछ, जैसे कि 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 40% मार्क्स से कुछ आपके 12th में कम नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मार्किंग है जो आप इस सूचना के माध्यम से देख सकते हैं और फिलहाल में मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। और ये फॉर्म की डेट तो 1/8 से थी, लेकिन इस डेट को आगे आपको भी साइट खुली नहीं है और उसको ओपन करने में 1-2 दिन लग सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा या ये सूचना कहाँ से अपलोड की जाएगी। तो फिलहाल में ये चीज़ें देखिए, यहाँ की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे कि आपको यहाँ से सूचना अपलोड करना है, जैसे देखिए यहाँ पे जीएनएम परमिशन सूचना के लिए नर्सिंग, इसी में आप यहाँ से देख लीजिए, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू आल न्यूज़ पे। तो यहाँ पे व्यू आल न्यूज़ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए आल नर्सिंग पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर रिगार्डिंग सिंह एलक्लोडी एक्सरे रेडियोलॉजी मैनेजमेंट कोटा एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ से आप यहाँ से एडमिशन 25/5 के कुछ लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है सूचना, ये डाउनलोड कर लेंगे। और कुछ यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे 8/7/2023 के जो सूचना आई है इसको आप डाउनलोड कर देंगे। इस सूचना में जैसे कि कुछ कॉलेज दिया गया है, कौन से कॉलेज मतलब कहाँ किस एडमिशन स्वयं कराएगा, तो वो चीज़ें दिया गया है यहाँ पे। हम आपको चले दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मैं पहले से डाउनलोड रख चुका था। देखिए कौन से कॉलेज अपना स्वयं कराएंगे काउंसलिंग की प्रोसीजर्स, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि निजी क्षेत्र में सदर लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन और फार्मेसी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों के लिए चयन स्वयं अपने स्तर से किए जाने के संबंध में ये सूचना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन से कॉलेज स्वयं अपने स्तर से कराएंगे। तो जिसमें से आपका पहला जो कॉलेज है किंग महाधीश चिकित्सा शिक्षा पक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है
और दूसरा तीसरा जो है कि JK कैंसर स्थान कानपुर, ये इसका फॉर्म निकला हुआ है। OT टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन अपने स्तर से एक काउंसलिंग करा रहा है। इसकी फॉर्म की सूचना आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से आप लिंक को डाउनलोड कर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म अभी भरा जा रहा है और यहाँ पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थान लखनऊ, ये भी अपना अलग करा रहा है। और यहाँ पे किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, ये भी अपना अलग कराएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये भी अपना कराएगी। तो उम्मीद की होंगी हमारे वीडियो सारे अच्छे लगे होंगे। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो